आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल यादव की अध्यक्षता में आईएमए कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए सामाजिक संस्थानों के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में शहर में आ रही पानी की समस्या व उसके निदान पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी सामाजिक संस्थानों के लोगों पानी के रिचार्ज को लेकर सहमत हुए। बैठक में पीएसटी के इंजीनियर आदित्य शर्मा की उपस्थिति थे। उन्होंने बताया कि रोज शहर की आवश्यकता के अनुसार 5 करोड़ लीटर पानी ट्यूबवेलों से निकाला जा रहा है, लेकिन उसका 10% भी भूमि को रिचार्ज नहीं दिया जा रहा। बैठक में 300 वर्ग से बड़े भूखंडों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ना होने का मुद्दा भी जोरों से उठा। भवन स्वीकृति बिना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के नहीं मिलती, लेकिन शहर में अधिकतर मकानों, स्कूलों, कोचिंग, हॉस्पिटल व ऑफिस में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा है। आज जो बैठक हुई उसमें क्या कि पानी का विषय था, पानी के लिए सब लोग परेशान है। आपको पता, मीडिया से आप रोज छापते रहते हो, समस्या सबको पता है, लेकिन निदान चाहिए उसका, बेसिकली उसका सोल्यूशन चाहिए। और सोल्यूशन के लिए एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं आदित्य शर्मा जी, ये पीएचडी से आए थे गवर्नमेंट से, बाकी हमारे सामाजिक सरोकार वाली जो संस्थाएं थी वहां से लोग आए हैं सभी, और उन्होंने अपने अपने विचार रखे क्या क्या हम कर सकते हैं। वो बताया कि वाटर रिचार्ज पे काम करना चाहिए, क्यों बरसात आने वाली है उससे पहले पहले हमको वाटर रिचार्ज पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये लगभग चीफ इंजीनियर साहब ने बताया कि 5 करोड़ लीटर पर डे यहाँ अलवर के लिए पानी निकाल रहे हैं जमीन से, पर डाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, और इसको रिचार्ज करने के लिए हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। फिर बोल रहा हूँ मैं, पहले बोला था, ये नहीं है कि केवल डॉक्टर विजयपाल का काम है या केवल चीफ इंजीनियर साहब का काम है, या सब व्यक्ति को अपने घरों में रिचार्ज कुएं बनाने चाहिए, सोखता पिट जो बोलते हैं, सोकेज पिट बोलते हैं, वो बनाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, और बाकी जो जोड़ बावड़ियां हैं अपनी उनको रिवाइव करना चाहिए, और जो पुराने कुएं हैं उनमें पानी कनेक्ट, बरसात का पानी उनके अंदर डालना चाहिए जिससे कि वो रिचार्ज करे। जमीन में पानी जाना बहुत जरूरी है। चर्चा जो हुई है, आप क्या डिसीजन निकाला है? हाँ, तो हम सब लोग डिसीजन ये निकाला है कि हम सब लोग मिलकर के एक जन जागरूकता लगाएंगे लोगों को, और हमारे लोगों ने भी हाथ खड़े किए कि हाँ मैं अपने सोकेज पिट बनाऊंगा। उन्होंने तो सबसे पहले हमारे यहाँ से शुरू कर रहे हैं, है ना, मेरे यहाँ तो अस्पताल में बने हुए, मैंने बताया मॉडल ऐसे बना सकते हैं, तो लोगों ने मेरी बात को माना। अभी आईएमए हॉल में आपने देख लिया, 3 कुएं तो अभी यहाँ पे बनाई दी हमने आपके सामने, तो हम क्या कि बनाए जा रहे हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पे सब लोग अपने बनाएंगे, और लोगों को भी जो और सामाजिक सरोकार की संस्थाएं जो रह गई थी उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे और उनको भी एक मंच पे लेकर के आएंगे। साथ में जो यूआईटी जो सचिव हैं डॉक्टर मंजू, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि हम ये डीएफओ से उन्होंने ले लिया है, 5 जोड़ बनाएंगे इस अपने अरावली के तलैटी में, जहाँ पे पानी भरता, जैसे लाल खदान है, गणेश गुआड़ी है, यहाँ पे जहाँ से पानी वहीं रुकेगा। दूसरा खेपुरा वाली मॉल जो है जोड़, उसको खुदाई करवाएंगे वो, है ना, इस तरह से वो भी वाटर रिचार्ज के लिए काम करेंगे।